हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे सब? बढ़िया है। सीआरपीएफ में भर्ती निकली है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरी भी छुट्टी खत्म हो गई थी, मैं भी वापस जा रहा था। रास्ते में ही मैं चेक कर रहा था कि मुझे पता चला कि सीआरपीएफ की भर्ती आई है। ये भर्ती किस चीज़ की है, इसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो उसे समझना है और आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बात वीडियो को पूरा देखना है। देखो, ये मेरा बैग रखा है यार। अब छुट्टी से वापिस जा रहा था, क्या करें, बोर्ड कहाँ से लाऊँ, कहाँ से पेन लेके आऊँ, तो मैनेज करना, वीडियो को समझना, ठीक है? एक एक बात आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सीआरपीएफ की जो 9000 प्लस वैकेंसी निकली है, एक्यूरेट डिटेल आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहला, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन 27/3/2023 से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी है 25/4/2023। एडमिट कार्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है? उसके बाद में आपको ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि रिलीज एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 20/6/2023 टू 25/6/2023, इसके अंदर में आपके एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो जाएंगे, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। इससे अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहले एग्जाम होगा, ठीक है? फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल, ठीक है? अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप इसके अंदर अभी पे स्केल देख सकते हैं, आपका कितना पे स्केल है, ठीक है? ये पे स्केल है, पे लेवल 3, 21,700 से 69,100 रुपये, ठीक है दोस्तों? ये वैकेंसी किस किस चीज़ की है, आप अच्छे तरीके से किस राज्य की वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी कौन कौन सी है, ठीक है? सबसे पहले है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी। और अब किस किस राज्य की, किस किस राज्य की कितनी भर्ती हैं, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भर्ती ऑल इंडिया की है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा कि ये ऑल इंडिया की भर्ती है, इसके अंदर हर राज्य की वैकेंसीज हैं। अब इसको देखने के लिए आप PDF में आराम से इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कितनी वैकेंसी है, कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, ठीक है? इसमें आपका टाइम नहीं लेंगे, ये आपको PDF में टेलीग्राम पे भेज दूँ, ठीक है? लगभग आप ये देख ही रहे होंगे, ठीक है? ये देख रहे होंगे आप कितनी वैकेंसी हैं, किस किस राज्य की, ये पूरी डिटेल दी हुई है और बिल्कुल कौन सी किस राज्य की कितनी वैकेंसी क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है, ठीक है दोस्तों? लड़कियों की भी इसके अंदर वैकेंसी है, किसको क्या छूट मिलेगी, क्या है, सब बात करते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे अभी हम, ठीक है? एज लिमिट में आप देख रहे होंगे कॉन्स्टेबल ड्राइवर 21 से 27, ये देखो 1/8/2023 तक, शुड नॉट हैव बीन एदर देन 2/8/1996 एंड लेटर देन, ये मतलब कि इसके बीच में आपकी जन्म डेट होनी चाहिए 2/8/1996 और 1/8/2002, ठीक है दोस्तों? तो इसके बीच में आपकी जन्म डेट होनी चाहिए, किसमें, कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए। इसमें आपको छूट भी मिलेगी, किस किस को मिलेगी देख लीजिएगा। ये हो गया, अब इसके बाद में ये है कॉन्स्टेबल, MMV, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्राफ्टर, जितने भी हैं ये इसके अंदर, इलेक्ट्रीशियन 18 से 23 सर, और 1/8/2023 से लेकर 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, छूट किसे किसे मिलेगी। ये देख लीजिएगा, ये छूट देख लीजिएगा, किस किस को, कैटेगरी वाइज SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, ठीक है? चिल्ड्रन ऑफ द डिपार्टमेंट, विक्टिम किल्ड, ये आप इसे पढ़ लें और इसे समझ लें, ज़्यादा इसमें कोई ध्यान नहीं देंगे। आगे चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो आपके काम आएंगी, जो आपको बिल्कुल अच्छे से भर्ती होने में मदद करेंगी। अब आगे दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए ड्राइवर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप देख रहे होंगे, मिनिमम मैट्रिक और रिक्वायरमेंट बोर्ड रिकॉग्नाइज, मतलब कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसके पास 10वीं पास होना चाहिए और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इसके पास होना चाहिए, ठीक है? HVM का, हैवी व्हीकल मोटर का, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे में है सिटी मैकेनिक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसके पास मेट्रिकुलेशन, 10वीं क्लास एंड 12वीं एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि 2 साल, इसके पास मोटर मैकेनिक का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ITI का, वही मोटर मैकेनिक में भर पाएगा, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा दोस्तों, ये फॉर ऑल ट्रेड्समैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ अच्छा ठीक है टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रोफेशंस इन वर्क इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। इसका कहने का मतलब है कि जितनी भी और ट्रेड बची हैं ठीक है, जो भी जो जो ट्रेड के बारे में बता रहे हैं, हर ट्रेड के बारे में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन जिनके बारे में अलग से नहीं बता रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फॉर ऑल ट्रेड अदर ट्रेड्समैन जो और बची हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होने चाहिए और ट्रेड के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये है पायनियर विंग मैसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, तो इनके अंदर आपको आईटीआई चाहिए, जो भी होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कारपेंटर जितनी भी इसके अंदर वैकेंसी है उसके अंदर एक साल की आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस और आईटीआई होनी चाहिए और साथ में आप 10वीं पास होने चाहिए, ये पूरा इसका है। ठीक है, और जितनी बच गई हैं जैसे कि बार वाशरमैन, ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये इनके अंदर 10वीं चाहिए, मतलब कि जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में अलग से ट्रेड नहीं मांगा है आईटीआई वगैरह, जैसे कि ये वाली है फॉर आर ट्रेड, जैसे कि बार्बर कॉबलर मोची सफाई वाला कोक, इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा है वैसे। ठीक है, 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए इसका एग्जाम, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 25 25 25, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, वही है रीजनिंग एंड जीके एलिमेंट्री मैथ एंड इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश वाला इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए फिजिकल, ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर फीमेल 157 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी हैं उनकी ये हाइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अपनी हाइट चेक कर लीजिएगा, ये अपनी हाइट चेक कर लीजिएगा, जो जो जिस कैटेगरी के अंदर आता है आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए चेस्ट 80 और 85 हो गया, ठीक है, ऑल बिलोंग टू शेड्यूल, इनका अलग है, ठीक है, इनका अलग है, ये आप देख लीजिए इधर, ये इनका अलग है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में ये देख लीजिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों की 8.5 मिनट में, ठीक है, ये हो गया क्या फिजिकल। ये देख लीजिए इसके अंदर जितनी भी हैं ये वाली जितनी भी हैं, ये वाली आप लगभग 10वीं से भर सकते हैं। ठीक है, किसे भर सकते हैं, 10वीं से। और इसके बाद में ये जो ऊपर बताया है मैंने, ये आप 10वीं से भर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके अंदर आपको पता है आईटीआई चाहिए, ठीक है, इसके अंदर भी आईटीआई चाहिए और बाकी फिजिकल आपके सामने दे रखा है इसका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको वही चीज़ें, ट्रेड टेस्ट, ये आ गया ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट के अंदर आप देख लीजिए, जो आप बोलते हैं मेरे भाई बहन यहाँ से ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ये देखिए ड्राइवर में लिखा है नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड हैंडलिंग ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, हल्का फुल्का गाड़ी ठीक करनी आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिटर नॉलेज इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड, ये फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और आगे, फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, ये है बिगुलर है प्लेइंग हैंडलिंग, अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। ये देखो आपको जो बिगुल होता है वो बजाने आना चाहिए, बिगुल जिसने बिगुल कोर्स किया होगा, टेलर सिलाई करने आनी चाहिए, कोबलर हैविंग नॉलेज ऑफ द ट्रेड पॉलिशिंग शूज़ हैंडलिंग टूल कटिंग लेदर रिपेयर स्टिचिंग, यानी कि उसको लेदर वगैरह काटना जूते की सिलाई करना चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। कारपेंटर जो ट्रेड वाला होगा उसे पता होगा मुझे कारपेंटर ट्रेड में क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए पेंटर नॉलेज ऑफ द कलर पेंट शेड्स पेंटिंग, ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं उसके अंदर। फिर आ गया मिक्सिंग, जो पेंटर होगा उसे पेंट के बारे में पूरा ज्ञान होगा, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे गार्डनर, ये आ गया गार्डनर, उसे प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पौधे किस समय में उगते हैं, फूलों के बारे में पूरा उनका मेंटेनेंस करने आना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रास बैंड नॉलेज ऑफ द प्लेइंग ब्रास बैंड पाइप बैंड नॉलेज ऑफ द प्लेइंग पाइप बैंड, फिर कुक के बारे में आपको पता ही है क्या लिखा है, खुद देख लीजिए क्या लिखा है। ये देखो कुक चपाती राइस वेजिटेबल दाल सांभर इडली सौ आदमियों का खाना बनाने की क्षमता मीट फिश एग, ठीक है, ये वाला। और वाटर कैरियर वाशिंग ऑफ द नाइटिंग ऑफ आटा फॉर मेकिंग, मतलब कि आटा गूंथना और 100 आदमियों का सब्जी काटना और मतलब कुक की हेल्प करना। ठीक है, बार बार में आपको टूल के बारे में पता होना चाहिए, कटिंग शेविंग इसके आपको आनी चाहिए। ठीक है,
और ये वाशरमैन सफाई कर्मचारी और मैसन पोइनियर, ये पोइनियर की अलग से है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन आप देख रहे होंगे, ये देखो इलेक्ट्रीशियन किसने किया होगा, इसके लिए भी आ गई हैं। ये देख लीजिए, इसके अंदर आपको फिटिंग बल्लब, ट्यूबलाइट होल्डर, 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, प्रिपरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल, फिटिंग जनरेटर, यानी इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जिसने इलेक्ट्रीशियन की है वो इसे पढ़ ले। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वगैरह। चलो ये तो बात की बात है, डॉक्यूमेंट वगैरह तो आप ठीक है, आपने ये देख लिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, बाकी एक बार बता देते हैं आपको, ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आई कार्ड, ये जो भी आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है। जो जहाँ पे मांगा जाएगा वो वहाँ पे दिखा दी जाएगी। ये मैंने आपको पूरा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लगभग वो मैंने आपको बता दी, और बाकी आपके लिए कुछ इसमें इतना खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल थी, और थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना यार, जैसे मेरे पास संस्था थी मैंने ऐसा आपको बता दिया। ओके, बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।